कर है, फोटो देख लीजिए। लेकिन उस समय का फोटो जो लोग अभी प्रचारित कर रहा है, तो उस समय के जो लोग होंगे अब सीनियर हो गए होंगे, उन लोगों को कहिए वहां का फोटोग्राफ निकालो, तो अपने पता चल जाएगा। नीतीश जी लेकिन पता चल जाएगा क्या हुआ था रिजल्ट, जो रिजल्ट क्या हुआ था पता है ना। नीतीश जी एक सवाल ये था कि पता है ना, आपकी जो छवि है वह जो है सुशासन के लिए है, बिहार को आपने बदहाली से बाहर निकाला, जो आप कहते भी हैं कि 15 साल की बदहाली के बाद से वहां गुड गवर्नेंस आपने एस्टेब्लिश किया, लेकिन जो इन दोनों नेताओं की जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, खासतौर पर अगर हम लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की बात करें, वो आपको कहते हैं कि टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं। जो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग, वो आपको कहते हैं कि जो सो इतने आपने घोटाले किए हैं कि सत्ता में आए तो आपको सबसे पहले जेल भेजेंगे। ये नई पीढ़ी इस तरीके से जब रिएक्ट करती है, तो वो लोग जो कि कभी आपको चचा कहते थे सरकार में आपके नीचे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, कैसा फील करते हैं आप? हम कुछ नहीं फील करते, हमको कोई फीलिंग नहीं है। ऐसी ऐसी बात बोलने वालों को क्या मतलब है बताइए, कौन लोग कौन कौन काम किया था पुराने, क्या अनुभव, हमको क्या मतलब है इन लोगों के बारे में, कोई क्रिकेट का था, कोई सिनेमा का था, कहां क्या था, बताइए ना क्या क्या बोलता है और उसको बोलने का कोई सलाह देता है या उसकी इच्छा होती है और इससे उसको पब्लिसिटी मिलती है। मुझे बहुत बधाई है, पब्लिसिटी लेते रहो, लेकिन इन सब चीजों का कोई मतलब है? नई पीढ़ी कोई एक पर्टिकुलर परिवार की, परिवार से जुड़ा हुआ ही नई पीढ़ी है? हम लोग के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, हम लोग तो सबकी सेवा करते हैं। हम लोगों को जो समर्थन नहीं देता है उसका भी हम कभी विरोध नहीं करते, सबके लिए काम किया, हमने किसी की उपेक्षा नहीं की। तो ऐसी बात लोग बोलता है, अब जो सोच है, जो ख्याल है, आप समझ लीजिए ना कि किसी परिवार का कोई नई पीढ़ी का आदमी और बाकी सबका आम आदमी के नई पीढ़ी का आदमी, कुछ खास लोग उनके साथ को उसको छोड़ दें, बाकी जरा नई पीढ़ी के आदमियों का जरा बोलिए, नई पीढ़ी और नहीं है जो पढ़ता है, जो काम करता है, जिसको जिसको परिवार का कुछ मतलब नहीं है, यानी कि परिवार के चलते ही उसकी इज्जत है, उसको अपने काम की इज्जत है। तो ऐसे लोगों का जरा बताइए क्या बोलता है, हम तो देखते भी नहीं, नोटिस भी नहीं लेते, हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन नीतीश जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, खासतौर पे हमारे ही नेटवर्क से बात करते हुए थोड़े समय पहले उन्होंने जब कहा कि बिहार में